वेलकम एंड जय हिंद। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं इसमें डिस्कस क्या करने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने वाला हूँ मैं। CAPF AC LDC के क्वेश्चंस के बारे में। अभी क्या है, CAPF AC LDC के एग्जाम हुए हैं कुछ दिन पहले, तो मैं भी CAPF AC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एक साल से, एक्चुअली दो साल बोल सकते हैं। तो क्या है कि मैं जितने भी चैनल्स हैं जो CAPF AC से रिलेटेड हैं, टेलीग्राम चैनल हों, यूट्यूब हों, तो मैं इन सबसे जुड़ा रहता हूँ। तो स्टडी फंडा से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ CAPF AC के लिए। कुछ कंटेंट अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट है पेपर टू के लिए उन लोग, तो मैं करता हूँ। तो हालांकि मैंने क्या देखा कि आज उन लोगों ने उन्होंने क्वेश्चन डाल रखे थे सीरीज वाइज की, आज नहीं कल भी देखा था कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे नोट्स हैं डायरेक्टली हिट किए हैं ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा हाँ ये बात तो सही इन्होंने बोला है भाई, हिट तो किए हैं। फिर मैं मनोहर पांडे भी पढ़ चुका हूँ, NCERT भी पढ़ता हूँ, अभी तो थर्ड फोर्थ रिविजन मेरी चल रही सारी NCERT की। तो मैं बस इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाला हूँ स्टडी फंडा के बुक नोट्स की, जिसका कि प्राइस 2700 टू आई थिंक 3000 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतने के आसपास ही लाई करता है उनका। और ये जो बुक है मनोहर पांडे की बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, 170 रुपीज में मैंने लिया था 2022 के एंड में। तो वही वाला है मेरे पास, वो ऐसे आई थिंक हर साल आता है नया उनका। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, लेकिन पहले मैं बुक दिखा देता हूँ, मैं ऐड करना भूल गया PPT में, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ओके, ये वाली बुक है, आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज की मनोहर पांडे की, 166 रुपीज अमेजन पे है। चलिए आपने देख लिया, ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है चैनल का एक्चुअली। तो उन्होंने क्वेश्चन डाला था जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेरे नोट से डायरेक्टली हिट किया है, आप देख सकते हो, द केमिकल फार्मूला ऑफ बासिंग सोडा इज व्हाट, 2024 CAPF AC LDC आप देख रहे हो। मैंने वहीं से ये वाला क्वेश्चन भी उनके टेलीग्राम से सेल्फ सेव किया है, कुछ क्वेश्चन जो कि नहीं थे तो बाकी कोई दूसरे टेलीग्राम से लिया है। ओके, आते हैं बासिंग सोडा, उन्होंने डाल रखा है Na2CO3 10H2O। ये है पेज नंबर 39। ये जो की है मनोहर पांडे, प्राइस मैं फिर से बता दे रहा हूँ 170 रुपीज, या फिर बोल सकते हैं 150 to 170 रुपीज, है ना। और इनके जो नोट्स के प्राइस है, इनके नोट्स के प्राइस है 2700 to 3000, या फिर तो कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के 2800 to 2900 में ही मिलता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ऑन एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया ना, बासिंग सोडा Na2CO3 10H2O एंड इसकी यूजेस भी है दिस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन हैज अ pH, इसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, फिक्स हो गया, सॉरी। ठीक है, pH का जो है सॉल्यूशन, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ऐसे में कैसे कर सकता हूँ, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, रुको, वेट। ओके, इस क्वेश्चन में पूरा दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसा, स्लाइड ओपन एंड सो कीप। ओके, आप देख लो, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप देखना इस क्वेश्चन को भी यहीं पे। क्या है केमिकल फार्मूला ऑफ बासिंग, ये तो हो चुका है, सॉरी, क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग यहाँ पे थे, है ना। देखो क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन हैज अ pH वैल्यू अराउंड 13, द सॉल्यूशन मे बी कॉल्ड,
चलिए यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू अराउंड 13, द सॉल्यूशन मे बी कॉल्ड। वो सही, तो बहुत ऐसे भी इजी क्वेश्चन है, तो पता होगा ये, तो कोरिया का बच्चा भी जानता होगा। चलिए, इन्होंने दिया है पीएच स्केल का 1, 0 से 7 न्यूट्रल एंड दिस दिस दिस। यहाँ पे आते हैं, सिंपली लिखा हुआ है पीएच वैल्यू का, ऐसे पूरे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो, इट इज 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 7 फॉर बेसिक सॉल्यूशन एंड लेस देन 7 फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है कि स्केल है 14 तक का, 0 to 14, 14 क्या है, 7 न्यूट्रल है जो कि मिडल में है, और 7 के बाद बेसिक है और यहाँ पे एसिड है। तो सिंपल सी बात है, 13 है यानी कि बेसिक होगा, इससे आंसर आप कर सकते थे। बाकी और भी चीजें लिखी हुई, गैस्ट्रिक जूस है, ब्रेन वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये तो सेम हो गया, मैंने पेज नंबर दे दिए मैंने, लेकिन सब में पेज नंबर डाले नहीं है, लेकिन आप देख लेना, इसी बुक से मैं कह रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्केप, सो वावर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स, ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। So the Wawar is a belt consisting of old and new alluvial deposited by rivers. तो वो स्टेटमेंट है, तो दे रखा है इन्होंने कि शिवालिक का, आप देखो ऐसे है, वावर का 8 to 16 लिख रखा है नोट्स में इन्होंने, बाद में लिखा कि पहले मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नोट्स इनके पढ़े नहीं है कभी। खैर जो भी हो, यहाँ पे आते हैं वावर का, इस बुक में जो है, वावर इज अ लॉन्ग नैरो प्लेन अलॉन्ग द फुथिल्स ऑफ हिमालय। आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का ए वाला मिला लेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब देखना, 9 to 16 किलोमीटर वाइड, ठीक है, हो गया। आगे, इट इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इट इज अ पेबल सबड्यूड जोन ऑफ पोरस रॉक। आगे क्या है, वावर इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपोजिट। गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सा नहीं है। यहाँ पे माही, बनास, लूनी, साबरमती, ये सब गिवन है। इन्होंने दिया है ये अपने इनका आई थिंक मैप बुक का है ना, मैप बुक का है इनका, नोट्स के अलावा इनके इनके मैप बुक भी होते हैं, तो उसी मैप बुक का है। चलिए, इन्होंने लिस्ट दे रखे हैं बेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस बुक में क्या है, देखो ईस्ट फ्लोइंग के इससे पहले वाले पेजेस में थे, सिर्फ मैंने बेस्ट फ्लोइंग के लिए, नहीं तो दो दो हो जाते हैं मेरे पास, दो दो पिक्चर इसमें डालने पड़ते। साबरमती, अब देख लो, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी, इसमें से आप बस सीधे हटाओ, नोट है ना ऑप्शन, माही। आप देखना एक चीज कि माही यहाँ से यहाँ पे पहला, लूनी यहाँ से यहाँ पे दूसरा, साबरमती फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे, आप देख रहे हो बनास बच गया। बनास क्या है, पीछे वाले पेजेस में दिया हुआ, इस फ्लोइंग रिवर में। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये 170 रुपीज का बुक है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, 170 रुपीज बुक है कोस्ट इसका बुक का, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया गलती से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 उन्होंने डाल रखा था, मैंने उसी सीक्वेंस से क्वेश्चन उठाया जिस सीक्वेंस से डाल रखे थे। थोड़ा सा समय तो गया मेरा, एक्चुअली थोड़ा सा गया मेरा, 2-3 घंटे लग गए यार, क्योंकि बुक में ढूंढो, फिर बुक एक्चुअली पढ़ रखा था, फिर भी ढूंढो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बनाओ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है पीपीटी बनाने का तो इन सब चीजों में। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कंडीशन, पहला क्या है, वेल ड्रेन्ड रिच फ्राइबल लोम्स कंटेनिंग गुड डील्स ऑफ मिनरल्स, टेम्परेचर बिटवीन 15 degrees Celsius to 18 degrees Celsius, एंड रेनफॉल बिटवीन 150 cm to 250 cm, एंड एल्टीट्यूड वेरिएशन फ्रॉम 600 to 1600 meter। सो अब यहाँ से बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सुटेबल अंडर द एबव कंडीशन। ये जो कंडीशन लिखी हुई है, बताना कि कौन से क्रॉप के लिए कंडीशन है जो कि सुटेबल है। तो इन्होंने दे दिया है यहाँ पे देखो 15 to 28 and 150 to 250 रेनफॉल, ये सब चीजें हैं, बस इन्होंने दो ही चीज लिखी, हाँ नीचे भी है जो भी है। चलिए आगे यहाँ पे आते हैं, अरे यार इसको जूम थोड़ा सा करता तो ज्यादा अच्छा रहता, मुझे भाई आता नहीं है यार पीपीटी में कि चलती रनिंग में जूम कैसे करते हैं, जूम का कोई ऑप्शन है क्या भाई, किसी को पता है तो बताओ यार, अभी क्या गूगल करता हूँ पहुंच करके। बधाई हो, मैंने गूगल बाबा की मदद से जूम करना सीख लिया है। ओके हो जा भाई अब तो, अरे यार लेफ्ट राइट के, हाँ हो गया। ओके, कॉफी का 23 to 28 डिग्री सेल्सियस, एंड
रेनफॉल 150 to 200 और क्या है पढ़ना आप, रिच वेल ड्रेन्ड फ्राइवल लूम्स कंटेनिंग गुड अमाउंट्स ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखना आप कि पहले जो ऊपर में जो लिखा हुआ है, वेल ड्रेन्ड रिच फ्राइवल लूम्स कंटेनिंग गुड डील ऑफ मिनरल्स, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। और टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो है 23 to 28 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल जो है 150 टू 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इससे कर सकते थे आसानी से, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतना इनफ नहीं है तो मैं इसके पीछे का रीजन दे सकता हूँ कैसे इतना इनफ है। चलिए यहाँ पे देखो, किसी भी क्रॉप में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि 23 टू 28 डिग्री सेल्सियस वाला, देखो आप नहीं है। दूसरी बात, रेनफॉल का भी देख लो, किसी का भी नहीं है इसके बराबर का, एक है बस ए रबर का। लेकिन फिर वही बात है कि आगे बढ़ेंगे, यहाँ लोमी सॉइल है, यहाँ तो कहीं लोमी सॉइल की बात नहीं है। लोम वो है फ्राइबल लोम्स एंड फॉरेस्ट सॉइल, सॉरी एक कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्राइबल लोम्स कंटेनिंग एंड गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमन मिनरल्स लाइक, अब मिनरल्स और किसी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से इसे पढ़ के कर सकते थे छोटे से स्टेटमेंट से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज बेटर नोन फॉर, ठीक है। अब देखो सिंपल ही बात है, सर ने क्या किया है, स्टडी फंडा के टीचर्स ने इस्तेमाल किए हैं क्या, दो दो तीन तीन बुक है भाई उनके, अलग अलग है नोट्स के। ये उनका आई थिंक मैप बुक है, तो मैप बुक से ये वाला डाला है उन्होंने। अब यहाँ पे देख लो, इसमें इसके लिए कुछ नहीं, ये वाली जो छोटी सी बुक है पिद्दी सी, इसके लिए कोई कुछ नहीं चाहिए भाई आपको मैप बुक वगैरह। अभी ऊपर मणिकरण आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अब बताता हूँ जल्दी से। अब देखना आप जियो थर्मल का जितने भी एनर्जी प्लांट है सब दियो लाइन से, पहले नंबर पे आप देखो यहाँ पे इस एरो को देखना, हैंड को, मणिकरण हिमाचल प्रदेश क्या है, जियो थर्मल एनर्जी, समझ में आ गई इस बात को। बताओ, अरे यार अब बताओ इसको आंसर कर पाते हैं, जियो थर्मल एनर्जी डी में है यार, मैंने गलत पीपीटी बना दिया, सॉरी मुझे एक्सपीरियंस नहीं पीपीटी बनाने का। डी में देखो जियो थर्मल एनर्जी है, मैंने ऑप्शन ही हाइड कर दिया यार। अच्छा इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं क्या, वेट आई थिंक एडिट कर सकते हैं क्या, पता नहीं यार, ठीक है छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है ना। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया शेयर अ बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट। तो सर ने क्या किया है, इनका वीडियो है, आई थिंक ये मैंने भी देखा है, मैंने पिछले साल देखा था, इनके मैपिंग के सीरीज के पुराने वीडियो थे शायद वही, या फिर तो नए कुछ वीडियो डाले वो है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा था, तो ये उसी के स्क्रीनशॉट है आई थिंक, है ना मैपिंग वाले। तो एक्सप्लेन इन डिटेल्स सर ने बस इतना लिख दिया है, यानी कि स्टडी फंडा के टीचर्स ने एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अरे यार क्या हो रहा है, मैं प्रो नहीं हूँ यार, माफ करना। ओके इन्होंने लिख दिया है एक्सप्लेन इन डिटेल्स, आप देख लो भाई जो भी हो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस बुक में, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेक्चर्स भी इंक्लूड कर दिया है साथ में बुक के साथ साथ इन्होंने, ठीक है। अब चलो यहाँ आ जाते हैं सीधे, सिर्फ मैं एक सिंगल बुक उठा रहा हूँ, सिंगल बुक जो स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है, इसका नाम है मैं लिख दे रहा हूँ जीके बाई मनोहर पांडे, यू कैन परचेज सिंपली। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल ऐसा वैसा दिया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे काम की चीज है उस पे आते हैं, नेबरिंग स्टेट्स में आना आप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रो इजिली कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2214 यहाँ पे लिख दिया, मैं तो मेंशन नहीं किया सब में पेज नंबर, मुझे लगता है क्योंकि अलग अलग बार बार पेज नंबर लेता था तो बड़े बन जाते थे, अब मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, इतने बड़े बना दूँ तो पूरा ढक जाएगा आगे का। ओके इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। सो द पावर टू इनिशिएट अ मनी बिल, टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके ये सब चीजें हैं, अब आते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। इन तीन स्क्रीनशॉट इन्होंने डाला है, मैंने भी तीन ही मेरे भी थे आई थिंक अलग अलग टॉपिक के। अरे और जूम नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी जूम नहीं होगा, मैं तो छोटा कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं इम्पीचमेंट वाले में, दिया हुआ इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस इनका, स्टडी फंडा वालों का, और मनी बिल का क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखा नहीं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर बिल इन मनी विल नो डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ द पीपल, लोकसभा ऑफ पीपल, ये तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ब्रो। ओके द पावर टू इनिशिएट, ओके फर्स्ट वाला टू इनिशिएट अ मनी बिल, चलिए
यहाँ पे आते हैं, स्पेशल पावर राज्यसभा की, पढ़ना ध्यान से। ड्यू टू फेडरल कैरेक्टर द राज्यसभा हैज गिवन टू एक्सक्लूसिव पावर, दे आर नॉट एंजॉयड बाई लोकसभा। पहला क्या है, इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249, याद रखना आपको, ठीक है, छोटी सी बात है, बस इतनी छोटी सी। इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, वो स्टेटमेंट तो ऊपर वाला था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो द इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाई इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल सी, सिंपल एक लाइन में आंसर कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ू क्या, चलो आगे बढ़ते, ओहो क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर माय फाउल लैंग्वेज। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है 38 करके कोई, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज वेदर अराइजेस टू वेदर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 1021, हु अमंग द फॉलोइंग एम्पावर्ड टू टेक द फाइनल डिसीजन। सिंपल सी बात है, क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के ऊपर अगर डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आता नहीं, अगर कोई सवाल उठता है तो उनका जो है फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन का वो डिसीजन कौन ले सकता है, फाइनल डिसीजन, है ना। तो चलिए इसमें भी है, जूम हो जा भाई, जूम क्यों नहीं हो रहा। ओके, ही डिसाइड इट मींस प्रेसिडेंट, है ना, कि वो मैंने क्रॉप कर दिया आई थिंक, मुझे लगता है स्पेस नहीं ले रहा होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, ही डिसाइड्स द क्वेश्चन, कौन है ए, मैंने भी वैसे लेजिस्लेटर पावर में यहाँ पे आते हैं, किसका प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट में ही क्या करता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड, यहाँ पे इस पूरी बात पे आते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड द क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विद कंसल्टेशन टू द इलेक्शन कमीशन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज आप देखोगे इस वाली लाइन में, हिज प्रायर रिकमेंडेशन, आगे आगे देखो, अब ए वाला यहाँ पे, यहाँ तो वर्ड टू वर्ड इनका और इनका दोनों का मैच कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, हिज प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ बिल, यहाँ पे हिज प्रायर रिकमेंडेशन वर्ड टू वर्ड नीचे मैच कर रहा है, गिव हिज असेंट टू द बिल, गिव हिज असेंट टू द बिल, विथहोल्ड द असेंट, विथहोल्ड द असेंट, रिटर्न बिल, हाउएवर इफ बिल फेल, हाउएवर यहाँ पे आते हैं, हाउएवर इफ द बिल पास्ड अगेन अंडर आर्टिकल 123। ओके आगे बढ़ते हैं यार, देखो अंडर आर्टिकल 123 लिखा हुआ है यहाँ पे, खैर इतना नहीं करना है, चलो जो भी हो, क्योंकि कोई लिखता है फिर खुद की, तो फिर तो एनसीईआरटी तो या फिर कहीं से तो उठाता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ से उठाया, ऐसा नहीं है, इनका खुद का है भाई, इनकी कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। खैर लेकिन ए वाली बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अगर मैं इनके नोट्स अगर मैं लूँ तो मैं इतने मुझे तीन तीन चार चार में क्यों पढ़ूँ, मैं एक ही पढ़ूंगा, मेरे सारा सब्जेक्ट होने को है, और ज्यादा क्वेश्चन है आई थिंक, नोट से ज्यादा क्वेश्चन, इन्होंने वीडियो भी इंक्लूड कर दिया, मैप बुक इंक्लूड कर दिया, ऐसे ही है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इन विच ईयर वाज अ कैबिनेट रेजोल्यूशन पास टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। इनका देखिए साइंस का अलग बुक है, पॉलिटी का अलग है आई थिंक, और इकोनॉमिक पॉलिटी एक में, पता नहीं क्या है। खैर आते हैं, पेज नंबर डालना भूलिएगा, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक वाले में है, देख लेगा जो पढ़ा होगा बुक उसे पता होगा। प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950 अंडर द चेयरमैनशिप, ये सब रिलेटेड नहीं है, नीति आयोग पे है, लेकिन मैं इसलिए आ रहा हूँ कि वो सेम बात है, उसी पे आएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इट वॉज फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये वाली फालतू की बात थी, लेकिन मैंने बस पढ़ के सुना दी, जो इंपॉर्टेंट है एक लाइन में ही खत्म होने को आया। प्लानिंग कमीशन वॉज डिजॉल्व ऑन 17th August 2050 एंड ऑन 1st Jan 2050 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नीति आयोग 1st Jan को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट स्लाइड, चलिए आंसर कर सकते हो सारे भाई। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिमम मींस मैक्सिम्स, एक मैक्सिम मींस होता है आई थिंक ट्रूथ, है ना, मैक्सिम ट्रूथ, या फिर तो सिद्धांत जो दे रखा है ट्रूथ का, ऐसा कुछ वन वर्ड में मैंने याद किया था यार कभी। ओके, मैंडमस, मैंडमस की बात करें तो इन्होंने भी दे रखा है, कहां हीवर्स कॉर्पस मैंडमस, मैंने क्रॉप कर दिया है क्या इनका, इंपॉर्टेंट शायद दे रखा होगा नीचे इन्होंने, भाई नहीं पता। खैर यहाँ पे आते हैं सिंपली भाई, आ जाओ, मैंडमस इट मींस, जूम करना पड़ेगा, इट मींस बी कमांड, सिंपल सी है, सीधे आधे लाइन में बी कमांड आंसर हो गया। आगे बढ़ूंगा, चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड, थैंक्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डजंट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डज नॉट हैव, ओके सिंपल सी है,
जिसको पता होगा तो ठीक है यार, नहीं पता है तो मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ थोड़े से, और कुछ और क्वेश्चन है, खाली कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ये नहीं कि सिर्फ इनके, इन्होंने जितने क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पे डाले थे उतने ही है, और भी मैंने क्वेश्चन डाउनलोड किए किसी टेलीग्राम चैनल से और फिर कंपेयर किया। आगे बढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट सर इन्होंने दे रखा है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एक्सेट्रा से। ओके अब आते हैं, अब देखो कुछ कुछ मैंने तो इससे रिवीजन किए हैं, जब सीजीएल का पिछले बार मेंस देने जब मैं जा रहा था तो मैं सीजीएल का मेंस के मेंस से पहले इसको किया था, और सीपीयू के टाइम पे भी करके गया था टायर वन का। खैर सीजीएल का मेंस तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सीजीएल का प्री, सीपीयू का प्री, ये सब क्लियर हो चुका है, सीपीयू का फिजिकल नहीं क्लियर हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों से। यहाँ पे आ जाना, देयर इज नो यूनिफॉर्मिलिटी इन द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल सिस्टम, बट सिंगल हाउस होते हैं कुछ में, लेकिन कुछ हैं, कौन कौन से स्टेट हैं वो आप देख लो, छह स्टेट, इन छह स्टेट पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हैविंग बाइकैमरल डबल हाउस। सिंपल सी है, आगे बढ़े, आंसर कर सकते हो। चलो भाई कुछ नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना इस बुक से इतने जितने सारे क्वेश्चंस हैं इस सिंगल बुक से, एक बुक मेरे पास भी है लेकिन फट गई यार थोड़ी सी, मैंने इतनी बार रिवीजन, आईबी का एग्जाम देने से पहले भी रिवीजन कर लिया था, तो खैर करना होता है, कुछ नहीं है, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से मनोहर पांडे, बेस्ट है रिवीजन के लिए, तो बेस्ट है भाई, अलग अलग बुक क्यों उठाए इतने महंगे, 100-150 की बुक उठा के नहीं करेंगे रिवीजन। चलिए बीच, और ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ डिमीन करने के लिए नहीं, इनका अपना कंटेंट है भाई, क्योंकि उनके पेजेस अच्छे हैं, इन्होंने डिजाइन बनाए हैं, मल्टी है, कलरफुल है, तो प्राइस तो इनके ज्यादा इसलिए है, लेकिन कंटेंट की बात करें तो कंटेंट बेस्ट है फिर तो इसमें मनोहर पांडे में, लेकिन हाँ इनके पेजेस देखो आप सिल्की हैं, इतने अच्छे कवर हैं, सब कुछ है, तो इसलिए ये फी हाई है बुक के, लेकिन फिर भी आई प्रीफर दिस बुक। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर आर्टिकल 14। अब इन्होंने सिर्फ क्या है, इनके नोट्स में आप देखना ए वाली बात, कि इनके नोट्स में क्या डाला हुआ है, आर्टिकल 14 के लिख दिया है सिर्फ ऐसे ही, यही पूछा है, यही पूछा है बस, आगे कुछ नहीं है यहाँ पे नोट्स में डिटेल में, तभी ना, नहीं तो उन्होंने डालता, मैं तो उनसे ही उठाया। फिर यहाँ पे समझ गए लाइक कर दो, ओके क्या लाइक करने की बात हुई है, यूट्यूब पे था क्या, नहीं ये तो टेलीग्राम पे था, कोई बात नहीं, ओके लेट इट बी। लेकिन इस वाली बुक की मैं बात करूँ, अब छोटा सा स्टेटमेंट है, ओ वेरी सॉरी यार इसको मिटाऊंगा कैसे अब, ओ भाई गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, मिटाऊंगा कैसे नहीं पता, खैर मैं ऐसे ही पढ़ के बता दूंगा मिटाऊंगा कैसे नहीं पता। खैर इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटी गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, पहला यहाँ पे इस बात को याद रखना है, पूछा गया है नोट करेक्ट एज पर आर्टिकल 14। बी का इट सिक्योर्स फॉर एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सी द स्टेट शैल नॉट डिनाय टू एनी पर्सन इक्वलिटी फॉर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल नॉट डिनाय टू नॉन सिटीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इससे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, आर्टिकल 14 लिखा है यही रख पूछा है, मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इससे करके दिखाता हूँ। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट सेज दैट, ध्यान से सुनना, इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। दिस कंसेप्ट आगे पढ़ने का नहीं, इसी से दे सकते हैं सर, आगे पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं। फिर से Shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. India, ठीक है? पहला equality before citizen only? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है all person whether citizen or foreigner. पहला भी सही है. फिर sources any person equal protection law within the territory. दूसरा भी सही. A state shall not deny. बिल्कुल सही. Not deny. A state deny नहीं कर सकता. A state shall not deny the non-citizen equality before law within the territory of India. एक सेकंड. इन दोनों में भी क्या है भाई? The state shall not deny to non-citizen इक्वलिटी फॉर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे क्या कंफ्यूजिंग कर दिया भाई। अ स्टेट शैल नॉट डिनाउ टू एनी पर्सन इक्वलिटी फॉर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अ स्टेट शैल नॉट डिनाउ डिनाय टू नॉन सिटीजन इक्वलिटी फॉर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यार खैर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ यार, मैं इतने देर से बनाया हूँ ना पीपीटी भाई, यहाँ दर्द हो रहे मेरे। पहला सही है सिक्योर्स ऑफ एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। द शैल नॉट डिनाउ एनी पर्सन इक्वलिटी फॉर लॉ विद इन द कंट्री, स्टेट शैल नॉट डिनाउ एनी पर्सन इक्वलिटी फॉर लॉ विद इन द ट्रीटी ऑफ इंडिया।
क्या है, ये दोनों ऑप्शन मुझे सेम ही लग रहे हैं यार। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इसमें हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आपने समझ लिया ना ये चीजें हैं इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है सी या डी, सी तो सही है ना। फिर शैल नॉट डिनाई टू नॉन सिटीजन्स, इन नॉन सिटीजन्स की क्या बात है? हाँ ये भी, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा ना, इक्वलिटी फॉर लॉ इज गारंटीड टू। अच्छा सॉरी यार, मैं कितना गधा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, हम कितने गधे हैं। ये तो गलत है ना पहला, क्योंकि सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली थोड़ी है, तो फॉरेनर्स भी है सिटीजन और फॉरेनर्स। यार मैं सच बताऊं, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं बना बना के पीपीटी ये सब कर करके, सॉरी सॉरी। पहला गलत है, बाकी सब सही है, वही तो मैं बोलूं। पहला गलत है क्योंकि इंडिया के लिए नहीं है, फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, टूडूम एरो बना रहा हूँ इतना बड़ा, रेड कलर चेंज करके, वेट, टूडू, ये वाली यहाँ पे सिटीजन्स और फॉरेनर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू प्रिवेंशन टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, रेडी ले लेते हैं यार, रेडी पेस्ट था। चलिए आइए, इन्होंने भी डाला है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाई कोर्ट। ओके, आर्टिकल 22 में डाला है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी आते हैं, आर्टिकल 22 डिटेल में ही है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो चाहिए वो तो एक लाइन में ही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, खत्म कहानी, आर्टिकल 22 आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी इससे आप कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज, टेक जी इक्वल 10। अब इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, टी इक्वल 2 पाई रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम रूट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप एक काम करो ना, आप पहले टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालोगे, 1/f होता है फॉर्मूला, पता होगा आपको मुझे लगता है। तो 1/0.5 फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 0.5 हर्ट्ज, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा टाइम। अब 2 इक्वल 2 पाई फिर रूट, इस ये वाला फॉर्मूला लिखते रहा हूँ, आप घर पे बैठ कर सॉल्व करते रहना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 26 मिनट 50 सेकंड हो चुकी है। लेंथ ऑफ लिखना क्या है यार, आप देख रहे हो, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे यार देख लो, लिखते लिखते बोर हो गया भाई मैं, देख लो ये वाली है यार फॉर्मूला। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व कर लोगे। 2 बार मैंने कर दिया क्या, बढ़ा दिया, हाँ ओके 3 बार बढ़ा दिया ब्रो, एक सेकंड, ये कहाँ पहुंच गया, ये सब क्या आ गया, खत्म हो गया क्या? ओके, यहाँ से आते हैं, एक एक के मैंने करा दिया भाई, कि मैं ढूंढ ही रहा हूँ तो सिर्फ कंपैरिजन क्यों, भला भी हो जाए आप लोगों का, पता चले कि ये वाली बुकिंग क्यों लेनी है क्यों नहीं लेनी है। तो मैंने इसलिए कर दिया यार, कि 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा समय जाएगा मेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है, आइए आपको दर्शन करवाते हैं इसके। चलिए मैग्नेट में आते हैं, ये भी सेम बुक से है, मनोहर पांडे से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि उन्होंने टेलीग्राम पे नहीं डाले थे, तो मैंने कंपेरिजन नहीं किए, डाले नहीं, यानी कि नोट्स में नहीं होंगे, नोट्स में लिखे हुए फिर तो कुछ वीडियो वगैरह लेक्चर में होंगे, नहीं डाले उन्होंने। खैर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे करवाए, सॉरी इस बुक में। ओके आप देखो, द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज कोबाल्ट आयरन एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेट, एंड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे आप आना, फेरोमैग्नेट मतलब जो अट्रैक्ट करती हो, कौन कौन से आप पढ़ लेना, कोबाल्ट आयरन निकल। ठीक है यार, अब जूम आउट कैसे करूं, हो गए, आप आंसर बता दोगे कि नोट कौन से नहीं है, अभी आपने पढ़ा कोबाल्ट, ठीक है, आयरन एंड निकल है, तो सिल्वर क्या होगा आपके साथ? गलत वाला, मतलब ये सही वाला आंसर है, यानी कि सिल्वर नहीं है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आगे बढ़े क्या बताइए, अरे तो स्क्रीन रिकॉर्ड है तो मैं पूछ के रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बोरिंग बोरियत। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज, रिपनिंग ऑफ बनाना, सोरिंग मिल्क, मेल्टिंग आइस, पासिंग CO2। ये तो ऐसे ही बता दोगे यार, इसके लिए क्या मैंने ले लिया, मैं भी क्या नहीं लेना था, ये तो ऐसे ही बता दोगे ना, फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस। खैर इस बुक में भी दी हुई है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एग्जाम्पल है जो कि बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं, कुछ कुछ अलग अलग, जैसे कि क्या है एग्जाम्पल, आप देखो क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, बॉइलिंग है, वेपराइजेशन है, कटिंग ऑफ ट्री, डिसॉल्विंग,
कॉमन शुगर इन वाटर, केमिकल चेंज के भी एग्जांपल हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, मुझे लगता है सीएपीपीसी में क्वेश्चन आया था पिछले बार जब मैंने दिया था, या सीडीएस में आया था यार। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, ये सब है केमिकल चेंज के, ऊपर वाले फिजिकल चेंज के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ गए क्या? 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है बुक में, इसी वाले बुक में, नोट से कंपेरिजन नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स वाले उन्होंने जितने डाले थे खत्म हो गए ऑलरेडी वो, है ना। आइए यहाँ पे, ओके, अंगामी नागालैंड का है, बडागैस तमिलनाडु, बैगा मध्य प्रदेश, ये सब सब अब जो जो है इसमें आते हैं, उतना क्यों मैं पढ़ने जाऊँ, समय जाएगा, वीडियो लंबी होगी। गद्दी ट्राइब, गद्दी ट्राइब, मुंडा ट्राइब, व्हील ट्राइब, जराबा ट्राइब, आते हैं गद्दी 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 गद्दी, जी 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 गद्दी, गद्दी दिख गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठोक दो भाई, हिमाचल प्रदेश ठोक दो गद्दी ट्राइब में। अगला कौन सा है? मुंडा, मुंडा 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 मुंडा, जरावा दिख गया मुझे पहले। ठीक है, जरावा का लिटिल अंडमान, ठीक है, ओके, जरावा जरावा लिटिल अंडमान यहाँ पे ठोक दो भाई। ओके ओके, व्हील है, व्हील 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 व्हील, बी में आते हैं, बी में, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान है क्या? मध्य प्रदेश राजस्थान है ना, राजस्थान ठोक के मारो। ठीक है, मुंडा 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 मुंडा, एम 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 एम, अरे यार एम एम यहाँ पे है भाई, मीना, मुंडा मुंडा झारखंड, ओके झारखंड, झारखंड है ना ऑप्शन में, मारो। मैं इसमें बस दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता थी इसमें, तीन चार मुझे पहले से पता थी, लेकिन बस मैं इससे दिखा रहा हूँ कि इसमें दिए हुए हैं, जो कि नोट्स बस नोट्स में नहीं, इस वाले बुक में है, सिर्फ मनोहर पांडे में, मनोहर पांडे। ओके, अगला, अरे यार इसमें मैंने आंसर नहीं डालेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्वेश्चन नहीं डालेगा, फिर से बड़ा वाला, सॉरी, ए आंसू हुई भाई, चलिए यार अब जो भी, ये लड़की हो गया क्या, ये टकला है। ओके यार ठीक है, अभी क्या और क्या है, कुछ है क्या स्लाइड में? कुछ नहीं है, स्लाइड खत्म हो चुकी है। हाँ, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने डिमीन करने के लिए वीडियो नहीं बनाया था स्टडी फंडा को, तो सिंपल सी इसलिए मैंने बनाया कि अगर आप, आपके पास बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो सिंपली यार इस बुक को पढ़ो, इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं, और आपने देखा जैसे कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं, और मैंने क्वेश्चन कंपैरिजन नहीं किया, एक्चुअली इसलिए नहीं किया कंपैरिजन कि भाई मेरे सर दर्द कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, इतना इतना हेक्टिक काम उठाओ बनाओ ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि नए आए हैं इस फील्ड में, तो ये उनके लिए है कि जो नोट्स के पीछे भागते हैं, जमा करना, नोट्स जमा कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ पे बेस्ट है वो है। तो देखो अपनी अपनी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग सब करेगा ही, इनकी भी मार्केटिंग है, मतलब इनके नोट से मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि नोट से भाई बेचेंगे, आपको अच्छा लगे आप लो, नहीं नहीं अच्छा लगे तो मत लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट कंपेरिजन इसलिए किया कि यार सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम 3,000 की बुक लेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, हम 200 की बुक लेंगे, 150 की तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें वो कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत लोग इस बुक के बारे में नहीं जानते हैं, उनको लगता है क्या ही होगा इसमें, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और आ, आ, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको ठीक लगे तो ये बुक ले लो भाई, उनको उनकी ठीक लगे तो उनकी लो, मुझे क्या है, मैंने तो बस बता दिया जो भी था मेरे लिए कहना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक बुक पढ़ के आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, एक नोट्स पढ़ लिए, इस इंस्टीट्यूशन के नोट्स पढ़ लिए, पूरे उठाए पढ़ लिए, नहीं ऐसे नहीं होता। इस वाली बुक पढ़ के आप पूरी सिलेक्शन थोड़ी ले सकते हो, मैथ है इसमें नहीं है, मैथमेटिक्स आया था सीपीपीसी, सॉरी सीआईएसएफसीएलडीसी में, तो नहीं कर सकता। तो एक ही बुक पढ़ के, या फिर कोई एक ही संघ, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही संस्था, एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही कोचिंग के बुक नोट्स वीडियो देख के, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो खुद से अगर पढ़ते हो एनसीईआरटी तो बेस्ट है भाई, सर सारे टीचर एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, है ना, अपना नोट्स बना लेते हैं एनसीईआरटी से। अच्छा, मैं मैथ के लिए कुछ सोच रहा था कि कुछ कुछ कैलकुलेट कर दूं मैथ का, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार, कर लेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इसके मैथ के सॉल्यूशन डाल दूँ, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में ही बेहतर रहेगा, लेकिन 1 सेकंड में देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन के पीडीएफ हैं क्या, टेलीग्राम पे किसी चैनल से डाउनलोड करता हूँ मैं, वीडियो भले ही लंबे हो जाए, मन करे तो छोड़ दो भाई, नहीं देखो मैं व्यू के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना। ओके, खत्म ही करते हैं, खैर ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं, कोई इशू नहीं है, इस पैसे भी कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं हो रहा है अभी तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पेपर टू के लिए एक टॉपिक रोज का करते हैं, एक टॉपिक निकालते हैं करंट से, कोई भी लिखते हैं, आप भी लिखो, मैं भी लिखूँ, क्योंकि मुझे भी अगला पेपर देना चाहिए पीपीसी का, तो ज्वाइन हो सकते हो इस पर, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप नीचे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, कुछ भी क्यूरी हो या कोई भी बात हो कुछ भी, तो आप रिप्लाई करो, मैं देखता हूँ। ओके,
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।